नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में किसानों की आमदनी को दोगुना करने की योजना बिहार सरकार बना रही है। यही कारण है कि किसानों की आय में बढ़ोतरी को इस उद्देश्य से सरकार ने किसानों के हित में एक नए फॉर्मूले को खोज निकाला है, जिसकी मदद से बिहार में एक हेक्टेयर जमीन पर खेती से 1,50,912 रुपए की आमदनी होने की बात कही गई है। अब सवाल ये है कि सरकार ने ऐसी कौन सी नई खोज की है जिससे किसानों के लखपति बनने के द्वार खुलने वाले हैं? तो हम आपको बता दें कि यह जादू होगा मौसम अनुकूल खेती से, जिसकी आमदनी सामान्य खेती से 2.5 गुना अधिक है। इसका आकलन राज्य सरकार ने योजना का एक फसल चक्र पूरा होने पर किया है। कृषि विशेषज्ञों की माने तो राज्य के किसानों को आमदनी बढ़ाना है तो मौसम अनुकूल खेती को अपनाना होगा। इसको लेकर किसानों को सालों भर यानी कि साल के पूरे 365 दिन की खेती का प्लान तैयार रखना होगा। यह योजना फिलहाल 5 गांव में चल रही है, लेकिन अब किसानों की जरूरत है तो सरकार की तरफ से पेश किए गए नई योजना को अपनाएं और मौसम के अनुकूल खेती पर जोर दें। वहीं राज्य सरकार ने इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए अपनी पुरानी योजनाओं में भी इसी के अनुसार बदलाव करने पर जोर दिया है, जिसमें अब बस जरूरत है तो किसानों को अपनी मानसिकता बदलने की, क्योंकि किसानों की आमदनी में वृद्धि हो इसको लेकर अवसर तो उन्हें दे ही जा रही है। वहीं कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार ने बीज वितरण का काम अब 30 नवंबर तक खत्म करने का निर्देश दिया है। इसके पहले दिसंबर महीने तक विभाग बीज बांटने का काम करता था। पहली बार 1 नवंबर से राज्य में अनाज खरीद का काम शुरू किया गया है। हालांकि थोड़ी परेशानी इसमें जरूर है, लेकिन इस परेशानी को दूर करने के लिए सहकारिता विभाग सभी मिलों में ड्रायर लगाने का काम शुरू कर चुका है। उसके बाद नमी की परेशानी दूर होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। योजना के नोडल अधिकारी उप कृषि निदेशक अनिल झा की माने तो किसानों को मौसम में हो रहे बदलाव पर ध्यान देने की जरूरत होगी। हर हाल में 15 नवंबर तक धान का खेत खाली करना ही होगा। ऐसे में किसानों को अब अंतिम तारीख को ध्यान में रखते हुए हर हाल में 150 दिन, 140 दिन और 120 दिन की फसल लगानी होगी। नर्सरी लगाकर रोपनी का सिस्टम खत्म करना होगा और सीधी बुआई करनी होगी। सूखी जमीन पर जीरो टिलेज और अधिक पानी वाले क्षेत्र में ड्रम सीटर का उपयोग करना होगा। इसके साथ ही गेहूं की फसल का भी चक्र 31 मार्च तक पूरा करना होगा। मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने योजना में दो तरह की खेती कर देखा है तो अंतर साफ देखने को मिला है। अध्ययन की बारीकी पर ध्यान देना होगा, जिसकी मदद से ही यह पता चलेगा कि एक दिन में कितना अंतर होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो एक गांव में किसानों ने 13 और 14 नवंबर तक गेहूं की बुआई का काम किया, वहीं दूसरी तरफ एक गांव में 16-17 नवंबर को बुआई हुई। दोनों खेत में समान खाद और बीज डाले गए, लेकिन महज 2 दिन पहले की गई बुआई से 1 हेक्टेयर में 10 क्विंटल अधिक उपज हुई है। यानी कि किसान अब अगर अपनी आय में वृद्धि करना चाहते हैं तो उन्हें अंग्रेजी के कहावत टाइम इज द की टू सक्सेस को स्मरण करना होगा और समय के प्रबंधन को सीखने की जरूरत है। कृषि विशेषज्ञों की माने तो फसल के बीच अंतर 10 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि गेहूं कटने के तुरंत बाद मूंग की फसल लगेगी, यानी कि 165 दिन खेत में फसल रहेगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।